दिव्य आत्मा के प्रति गरुड़ पुराण का पाठ करवाया घर में, उसका मुझे बाद में मुझे समय मिलेगा, मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच ध्यानी जी, और ध्यानी जी का भी परिवार के साथ में बहुत ही नाता, बड़ा प्रेमत्व का भाव है, जो कि आप अपने मुखार बिंद से व्यक्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखार बिंद से इस दिवंगत आत्मा के प्रति संगीत और प्रवचन के द्वारा आप अपने भाव को प्रकट करें। जब कोई नहीं आता मेरे।
जाने का, और मुझे विश्वास नहीं आया जब मैंने सुना कि गुप्ता जी चले गए, अस्वस्थ थे। हम ये नहीं कहते हैं कि अस्वस्थ नहीं थे, लेकिन ठीक था, ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरा परिवार सेवा में था, समय समय पर मेरा भी आना जाना होता था, कुशल क्षेम पूछने के लिए मैं चला जाता था, और जब जाता था तो गुप्ता जी की प्रेम भई मई जो वाणी है, ब्राह्मणों के प्रति जो स्नेह और जो भाव था, श्रीमती भावना गुप्ता जी अगर हमारे बीच में हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप परिवार से भलीभांति परिचित हैं, आप अपने मुखारविंद से दिवंगत आत्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि दो शब्दों में आप व्यक्त करें। परिवार, आज हम सब दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विधि का विधान है कि जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से जाना भी है, पर जैसे कि इस परिवार से मेरा ताल्लुक है, बहुत ही सुलझा हुआ परिवार, बहुत ही धार्मिक विचारों का और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे बीच में आज नहीं है, उनका जाने का हमें बहुत दुख है, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और गुप्ता परिवार को जो ये असहनीय दुख प्राप्त हुआ है उसको सहने की उन्हें शक्ति दे। ओम शांति शांति। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभां पीताम्बरान्तरणबिम्बफलादृष्टः, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रः, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। यदि कृष्णप्रणयतधूलिधवलं तद्वर्षणं तत्शुभं, नेत्रे चैकृपयोरजितेश्वरचिरे याम्यायिनी दृश्यते। सा बुद्धि विवरेन्दुशङ्खधवलः या माधवा व्याप्नी, सा जुह्वा मृदुभाषिणी नृपमुः, श्रुती च मे नारायणम्। अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगजाधरः, अव्ययपुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षवरदो भवः, अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्चित एव सप्तेतां पितृमोक्षदायक, सप्तेतां पितृमोक्षदायक। ब्रह्मा विष्णु महेश को नमन करते हुए समस्त
सुख सभा में उपस्थित विद्वत जन समुदाय मातृशक्ति, आज हम सभी लोग ध्यानी जी बैठे हुए हैं। आप अपने मधुर संगीत प्रवचन के द्वारा इस दिव्य देह को अपने भाव के द्वारा, अपने श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम भई, प्रेम मूर्ति शब्दों के द्वारा, संगीत के द्वारा आप अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आइए भगवत नाम का स्मरण करते हुए श्री राम, जय जय राम, 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 हरि राम, हरि राम, राम राम, हरि हरि, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे, अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। परम दिव्य संहिता गरुड़ प्राण को नमन करते हुए परम दिव्य मूर्ति, आज हम जिस दिव्य देह के निमित्त समस्त शोक सभा में उपस्थित विद्वत जन समुदाय मातृशक्ति हम सभी लोग उपस्थित हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चली एक बंधे जंजीर। पितृ के निमित्त जो कर्म किया वो बड़ा ही सराहनीय है। महाराज, मैं बाद में दिव्य आत्मा के प्रति गरुड़ प्राण का पाठ करवाया घर में, उसका मुझे बाद में मुझे समय मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच ध्यानी जी, और ध्यानी जी का भी परिवार के साथ में बहुत ही नाता, बड़ा प्रेमत्व का भाव है, जो कि आप अपने मुखारविंद से व्यक्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखारविंद से इस दिवंगत आत्मा के प्रति संगीत और प्रवचन के द्वारा आप अपने भाव को प्रकट करें।
सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा
इस नश्वर जगत में जो भी जीव किसी भी प्रकार से अवतरित हुआ है उसका जाना नितांत सत्य है। लेकिन जीवन का दूसरा पहलू यह भी है कि जाने वाला तो चला जाता है लेकिन वो यादें, वो स्मृतियां, वो एक एक दिन जो उस अमुक व्यक्ति के साथ हमने बिताई होती हैं वो रह रहकर दिल में याद आती हैं। हम लाख शास्त्रों का उदाहरण दें कि जीव नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है, ये न नष्ट होती है न कभी मरती है, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये बात सत्य है। लेकिन कहते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने। जब किसी व्यक्ति के ऊपर बीतती है तो वो सब शास्त्रों की बात को भूल जाता है। उस वक्त तो सिर्फ उसको एक बात समझ में आ रही होती कि वो जीव जिसके साथ हमने इतने साल बिताए हैं वो आज हमारे मध्य नहीं है। आप एक पल के सोच के देखिए कि अनेक वर्षों से जिसने अपने हाथों से पाला पोसा हो, बड़ा किया हो, आज हम इस बात को सोचकर बैठे कि वो आज हमारे मध्य नहीं है तो हमारे मन की स्थिति किसी कैसी होगी। मेरे आदरणीय परम पूजनीय पितृतुल्य अंकल जी श्री सतीश गुप्ता जी आज हमारे मध्य नहीं है। जीवन की इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर ईश्वर के चरणों में विलीन हो गए। मुझे आज भी वो दिन याद है, अंकल का वो हंसमुख चेहरा, और जब भी मैं उनसे मिलता था, जब भी जहां भी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान हमेशा से विद्यमान होती थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन
जब समाचार सुना कि अब वो नहीं रहे तो दुख होना स्वाभाविक था, क्योंकि मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है कि कुछ समय से अंकल श्री अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन फिर भी आज हमारे मध्य वो नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर चरणों में विनती करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, इस दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना, और जो दुख और पीड़ा से ये परिवार, समस्त गुप्ता परिवार गुजर रहा है, उसे इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। उस दुख को शायद मैं महसूस ना कर पाऊं जो मेरे पूज्य माता श्री, मेरे आंटी श्रीमती उमा गुप्ता जी के ऊपर चल रहा होगा। उनकी मन स्थिति को समझना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री विनय गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी नीरू गुप्ता, द्वितीय पुत्र विशाल गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी सोनिया गुप्ता, उनकी सुपुत्री शिफाली और उनके पति मुनीष अग्रवाल जी, इन सब के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, सहानुभूति प्रकट करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कष्ट और इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति इन्हें प्रदान करे। देखिए, ईश्वर के चिंतन और ईश्वर के भजन और कीर्तन में अत्यधिक बल होता है। ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का कीर्तन, उसका नाम जप किसी भी प्रकार की अशांत अवस्था को शांत कर सकता है। आइए पुनः हम अपने चित्त को, अपने हृदय को प्रभु के चरणों में लगाते हुए सामूहिक रूप से श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा के प्रति छोटे छोटे भजन, छोटे छोटे कीर्तनों के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। आइए दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
कोई याद करे उनको
मेरी आवाज यदि आप सभी सुन पा रहे हैं तो विशेषकर महिलाओं से मेरी प्रार्थना है, मेरी मातृशक्ति, हम जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम उस गरिमा का ध्यान रखें और आपस में बात न करें। एक बार पुनः करबद्ध आपसे विनम्र के बारे में यदि मैं बताने बैठूं तो शायद सारा दिन निकल जाएगा उनकी अच्छाइयों को बताते हुए, लेकिन क्योंकि उनका समर्पित भाव, उनका समर्पण शक्ति के प्रति था, माँ के प्रति था, एक उनकी इच्छा के अनुरूप समस्त जीवन में उन्होंने माँ की भक्ति की। आइए अपनी ओर से माँ की प्रस्तुति देते हुए मैं श्रद्धा सुमन व्यक्त करना चाहता हूँ। शक्ति दे मां, 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 शक्ति शक्ति।
और प्रवचन के द्वारा अपनी भाव और निष्ठा प्रेम से श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं किस वाणी से व्यक्त करूं, किन शब्दों से मैं व्यक्त करूं, परम दिव्य देह आज जो हमारे बीच में नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा में अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के स्नेही जन जो इस दिव्य सभा में उपस्थित हैं, इसी भाव से लगता है कि कितना दिव्य मूर्ति रही होगी श्री सतीश जी। मेरे पास सतीश जी के लिए अगर मैं कहूं उनके बारे में, तो मैं ये समझता हूं कि ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं एक ब्राह्मण होने के नाते परिवार से विगत कई वर्षों से परिचित हूं, और सतीश जी का जो हृदय था, मन मंदिर जो हृदय था, एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी मन में। वसुदेव कुटुंबकम का भाव होता है सबको समान दृष्टि से देखना, और आज वही माता पिता के गुणों का जो हस्तांतरण है, आज श्री विनय एवं विशाल जी दोनों जो पुत्र बैठे हुए हैं, उनमें भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही प्रेम है। और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो सब एकजुट में लग जाते हैं। परिवार वालों ने इस दिव्य देह के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ जो करवाया, गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, लेकिन उसी गरुड़ पुराण से एक प्रीत कल्प के रूप में इन 16 अध्यायों के अंतर्गत लिया गया है, और इन 16 अध्यायों के अंतर्गत जीवन का ही सार है। मैंने 10-12 दिनों में सतीश जी की मोक्ष कामना के लिए जो घर वालों ने पाठ करवाया, ये जो गरुड़ पुराण है महाराज, 17 पुराणों की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा इस गरुड़ पुराण की भी है। गरुड़ पुराण का मतलब है भगवान गरुड़ जी ने जो ये कथा है महाराज, इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभो, आपकी मुखारविंद से हमने आज तक सभी वेदों का अध्ययन, सभी शास्त्रों का श्रवण हमने कर लिया है, लेकिन कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव को संसार से जाना है, और जाकर कि वहां पर कैसे शुद्ध दुख मिलता है, हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। सूत जी ने जो कि ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है, समस्त ऋषि मुनियों से कहा कि हे ऋषि मुनियों, जिस प्रकार से आप आज मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, अपनी वाणी से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से गरुड़ जी ने भी भगवान से पूछा। एक बार भगवान आनंद से विराजमान थे, गरुड़ जी आए, गरुड़ जी के मन में भी वही भाव जागृत हुआ जो नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ। उसी भाव से गरुड़ जी ने भी भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, आपके साथ रह करके मैंने सभी वेदों का, शास्त्रों का
श्रवण मनन कर दिया है, कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव को संसार से जाना है और वहां पर जाकर के सुख दुख कैसे मिलता है, मैं आपकी मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। यहां पर भोगना पड़ेगा और संसार से जाने का कोई ना कोई कारण बनता है, बिना कारण से जीव इस संसार से नहीं जाता। तो हमें मृत्यु को अमंगल नहीं मानना चाहिए, हमें इसको मंगलमय बनाना चाहिए। और उस मंगलमय को हम कैसे बनाते मानस, ये यात्रा जो अंतिम यात्रा है, इस यात्रा को भी हम सज धज करके ही भेजते हैं। ध्यान रखें, इस यात्रा को हम मंगलमय बना करके भेजते हैं और हमें भेजना चाहिए। यावत जीवन, जिस जीव ने हमारे प्रति सारा जीवन व्यक्त किया, आज वो ऋण पुत्रों के ऊपर है। मैंने बहुत ही सारगर्भित ढंग से इस गरुड़ प्राण का गुप्ता परिवार को समझाया, पूरा सारांश इस गरुड़ पुराण का, एक एक शब्द का हमने सारगर्भित कर्म गुप्ता परिवार को सुनाया दिवंगत आत्मा की प्रति। तो पुत्र जो शब्द है, आज दोनों बैठे हुए हैं विनय और विशाल, दुख है ध्यान रखना जाने का। और मुझे विश्वास नहीं आया जब मैंने सुना कि गुप्ता जी चले गए, अस्वस्थ थे। हम ये नहीं कहते हैं कि अस्वस्थ नहीं थे, लेकिन ठीक था, ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरा परिवार सेवा में था, समय समय पर मेरा भी आना जाना होता था, कुशल क्षेम पूछने के लिए मैं चला जाता था। और जब जाता था तो गुप्ता जी की प्रेम भई मई जो वाणी है, ब्राह्मणों के प्रति जो स्नेह और जो भाव था देते हैं, सुख समृद्धि को देते हैं, मैं समय के अनुकूल चलते हुए तन करेंगे, मनन करेंगे, हे प्रभु भगवान से निवेदन करेंगे कि हमने परिवार वालों ने जो दिवंगत आत्मा के प्रति जो पाठ किया, भगवान से प्रार्थना करते हैं परब्रह्म परमेश्वर से कि हमारे जो पितृ हैं उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, सदगति की प्राप्ति हो, और जो आज हरा भरा परिवार इस दिव्य सभा में उपस्थित है, असहनीय जो दुख मिला है इस दिव्य देह में जाने का, भगवान हमें शक्ति दे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इन पुष्पों को यहाँ अर्पित करते हुए और रुमाला ऊपर चलाते हुए, ओम हरि ओम महाभद्रम करणे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्यैव क्षवरयत्राः स्तरीरङ्गे तुष्टुवाघं स्वस्तनौ वृपवशैमहि देवहितं यदायुः। ओं मन्त्रार्थाः शबरा सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदयस्तवः। ओं शान्तिः शान्तिः सुशान्तर्भवतुः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वार्थसुशान्तर्भवतुः। और आप अपने आसन में बैठ जाए। हमारे पास दिवंगत आत्मा के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए हमारे पास पत्र आए हुए हैं भारत विकास परिषद से, लुधियाना से हमारे पास सुख संदेश आया है। आपने अपने सुख संदेश में लिखा है कि दिवंगत आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य देह को भगवान के चरणों में स्थान मिले और
भारत विकास परिषद की सारी भारत विकास परिषद से हमारे पास संदेश आया है कि जो हरा भरा जो परिवार है, असहने जो दुख मिला है, भगवान इस दुख को सहने की परिवार को शक्ति दे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हमारे बीच परम सम्माननीय वार्ड नंबर 10 की पार्षद श्रीमती भावना गुप्ता जी अगर हमारे बीच में हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप परिवार से भलीभांति परिचित हैं, आप अपने मुखारविंद से दिवंगत आत्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि दो शब्दों में आप व्यक्त। परिवार, आज हम सब दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विधि का विधान है कि जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से जाना भी है, पर जैसे कि इस परिवार से मेरा ताल्लुक है, बहुत ही सुलझा हुआ परिवार, बहुत ही धार्मिक विचारों का और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे बीच में आज नहीं है, उनका जाने का हमें बहुत दुख है और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और गुप्ता परिवार को जो ये असहनीय दुख प्राप्त हुआ है उसको सहने की उन्हें शक्ति दे। ओम शांति शांति। तगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। पीछे दिन नहीं पीछे